लेकिन वो लेवल में आप पढ़ते हो हेबर प्रोसेस, जिसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को रिएक्ट करके हम लोग अमोनिया गैस बनाते हैं, तो उसी से रिलेटेड चैप्टर है। इसी तरह सल्फर भी, आपने सल्फर के नाम से नहीं पढ़ा है, आपने सल्फ्यूरिक एसिड का चैप्टर देखा हुआ होता है वो लेवल में रिवर्सिबल रिएक्शन में, तो ये भी कुछ इसी तरह का ही चैप्टर है हमारे पास ना। तो फर्क क्या है कि नाइट्रोजन एंड सल्फर को थोड़ा सा डिटेल में और भी रिएक्शंस आ जाएंगे, हेबर प्रोसेस भी आ जाएगा दोबारा से इसमें, और सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्टैक्ट प्रोसेस भी दोबारा से आ जाएगा। अच्छा, रिवर्सिबल रिएक्शन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था पहले, ली चैट टेस्ट प्रिंसिपल, केमिकल इक्विलिब्रियम, वो भी वो वाला पार्ट भी इसमें दोबारा से आएगा, क्योंकि जब हम हेबर प्रोसेस पढ़ेंगे तो उसमें रिवर्सिबल रिएक्शन इन्वॉल्व है हमारा। अच्छा, नाइट्रोजन हमें पता है कि हमारे पास ग्रुप 15 का एलिमेंट है, नॉन मेटल है। नाइट्रोजन जो है वो जिस स्टेट में एग्जिस्ट करता है इन एनवायरनमेंट, वो N2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और दो नाइट्रोजन एटम्स के बीच में तीन कोवलेंट बॉन्ड बने हुए होते हैं, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होता है इसमें। ये नाइट्रोजन गैस होती है रूम टेम्परेचर पे, और इसकी स्टैंडर्ड स्टेट भी यही होती है N2 गैस, और ये इनर्ट है। इनर्ट इसलिए इसको कहते हैं कि ये अनरिएक्टिव होती है, क्योंकि ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की वजह से जो बॉन्डिंग हो रही है इनके बीच में, दो नाइट्रोजन एटम्स के बीच में, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्डिंग है। दैट्स वाई इसका बॉन्ड ब्रेक करना मुश्किल होता है, एनर्जी ज्यादा चाहिए होती है। ठीक है, अच्छा। बाकी नाइट्रोजन के रिएक्शंस हमने देखते हैं, नाइट्रोजन गैस वैसे तो रिएक्ट नहीं करती है, इनर्ट होती है, लेकिन बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे या मैं बहुत ज्यादा एनर्जी सप्लाई करूँ तो ऑब्वियसली ये बॉन्ड ब्रेक हो सकता है, और ये बॉन्ड ब्रेक होता भी है। जैसे लाइटनिंग होती है तो एयर में जो नाइट्रोजन है उससे नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड हमारे पास जनरेट होती है। तो ये रिएक्शंस क्या है, पहला रिएक्शन आपने ये याद रखना है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट होकर नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनाती है, इसको हम नाइट्रोजन टू ऑक्साइड भी कहते हैं। नाइट्रोजन टू ऑक्साइड इसलिए कहते हैं क्योंकि नाइट्रोजन की इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी वो पॉजिटिव टू होगी, ऑक्सीजन -2, नाइट्रोजन पॉजिटिव टू। अच्छा, इसी तरह ये नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड जो एयर में बनती है, इट कैन बी फर्दर ऑक्सीडाइज विद ऑक्सीजन टू फॉर्म नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसको हम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी कहते हैं और नाइट्रोजन फोर ऑक्साइड भी कहते हैं। नाइट्रोजन फोर ऑक्साइड इसलिए कहते हैं क्योंकि नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें पॉजिटिव फोर हो गई है। ठीक है, ये हमने रेडॉक्स में सारी वर्कआउट करी हुई है, तो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें निकालोगे तो +4 आएगी, इसलिए इसको नाइट्रोजन फोर ऑक्साइड भी कहते हैं। अच्छा, अब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो एक नॉन मेटल ऑक्साइड है, और हमें बताया कि जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स होती हैं दे आर एसिडिक, व्हेन दे आर डिजॉल्व इन वाटर दे फॉर्म नाइट्रिक एसिड। तो जब वाटर और फर्दर ऑक्सीजन के साथ जब ये कंबाइन होती है एयर के अंदर ही, जब बारिश होगी रेन होगी, तो ये नाइट्रिक एसिड बनेगा एंड इट विल लीड टू एसिड रेन। तो एसिड रेन में जो नाइट्रिक एसिड होता है उसका सोर्स जो है, एक तो पॉल्यूटेंट होते हैं लेकिन एक नेचुरल सोर्स भी है। लाइटनिंग हो रही है, लाइटनिंग इज अ नेचुरल सोर्स, बारिश हो रही है, बिजली बन रही है, और वो जो है एयर में नाइट्रोजन है, वी नो 78% इन एयर इज ऑफ नाइट्रोजन, तो ये आप रोक नहीं सकते हो। मतलब अगर आप किसी तरह से कोई मैन मेड एक्टिविटीज की वजह से इसको कट डाउन नहीं कर सकते हो, क्योंकि नाइट्रोजन गैस जो है वो एयर में प्रेजेंट है, 78% है, और लाइटनिंग होगी जब बारिश होगी, लाइटनिंग की वजह से नाइट्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनाएगी, एयर में ऑक्सीजन भी है तो वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाएगी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फर्दर ऑक्सीजन एंड वाटर इट विल लीड टू नाइट्रिक एसिड। अच्छा, ये जो इक्वेजन्स हैं ये बैलेंस्ड इक्वेजन आपको याद रखनी है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे खराब काम यही है कि हमें ये इक्वेजन्स याद रखनी होती हैं, वो बोल देता है कि फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड किस तरह से हो रहा है, तो फ्रॉम नाइट्रोजन गैस दिस इक्वेजन, फर्स्ट इक्वेजन, सेकेंड इक्वेजन, थर्ड इक्वेजन, ये आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेजन याद करनी है। और उसका सबसे अच्छा आसान तरीका ये होता है कि आप जब ये प्रैक्टिस कर रहे हो इनऑर्गेनिक, तो आप ये इक्वेजन्स को 2 से 4 बार बना बना के प्रैक्टिस करो बगैर देखे, और बैलेंसिंग देखो, अगर आपको लग रहा है कि किसी इक्वेजन में आपको बैलेंस करने में टाइम लग रहा है, अभी तो ये सिंपल इक्वेजन है तो बैलेंसिंग आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिन इक्वेशंस में आपको लगे कि हमें टाइम लग रहा है बैलेंसिंग करने में, तो आई वुड रिकमेंड कि वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन पूरी आप ऐसे ही याद कर लो, ताकि एग्जाम में आपका टाइम वेस्ट ना हो। बैलेंसिंग कर तो लोगे लेकिन एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाएगा। अगर वो वाली इक्वेशन को आप खुद से प्रैक्टिस करो और बैलेंसिंग करने में आपको मुश्किल हो ही हो, वरना ये जो इक्वेशंस अभी सामने आपके हैं तो इसको हार्डली आपके पास कुछ सेकंड लगेंगे आप बैलेंस करने में, आप कर लोगे। देन अमोनिया, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया,
वी नो कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट करके अमोनिया गैस बनाता है, दैट इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। इस प्रोसेस को हमने ओ लेवल में किस नाम से पढ़ा था? हेबर प्रोसेस के नाम से पढ़ा था। इसमें जो कैटलिस्ट यूज होता है, दैट इज आयरन, निकल भी यूज होता है इसमें, आयरन भी यूज होता है, हम लोग जनरली जो है वो आयरन को यूज कर रहे होते हैं। अच्छा, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है एंड वी नो ये रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक है। इसका फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो इंथैल्पी चेंज है दैट इज नेगेटिव, बैकवर्ड जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब जब अमोनिया से वापस नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन बनेगा तो दैट वुड बी एंडोथर्मिक। अब अमोनिया गैस के बारे में बहुत सारी चीजें ऑलरेडी आप कवर कर चुके हो कि अमोनिया गैस जो होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज बेसिक इन नेचर, ठीक है। पानी में जब ये डिजोल्व होती है तो हमें पता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनता है। बॉन्डिंग क्या है अमोनिया की? कोवलेंट बॉन्डिंग है, और नाइट्रोजन के साथ तीन हाइड्रोजन कोवलेंटली बॉन्डेड होता है, नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर होता है। दिस लोन पेयर बेसिकली इज रीडली अवेलेबल टू एक्सेप्ट एच पॉजिटिव आइन। जब एच पॉजिटिव आइन इसके पास आता है तो हमें पता है क्या होता है कि इट एक्सेप्ट दिस प्रोटोन, और वो चीज जो प्रोटोन एक्सेप्ट करती है उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज आर एसिड। इसको हम कहते हैं ब्रोंस्टेड लॉरी एसिड, सॉरी ब्रोंस्टेड लॉरी बेस, उल्टा कह दिया मैंने। दिस इज बेसिक इन नेचर, तो इट कैन एक्सेप्ट अ प्रोटॉन, इसलिए हम इसको कहते हैं दिस इज अ ब्रोंस्टेड लॉरी बेस, इट कैन एक्ट एज अ बेस। अमोनिया को जब आप पानी में डालते हो तो हमारे पास अमोनियम आइन बनते हैं। बेसिकली देखो, अगर मैंने एक्वस अमोनिया लिखा हुआ ना, इट मीन्स अमोनिया इन वाटर, अमोनिया डिजोल्व इन वाटर। एक्वस अमोनिया का मतलब ये भी है कि अमोनिया जो है वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनी हुई है, एंड एनीथिंग दैट कैन गिव एच नेगेटिव आइन कैन ऑल्सो एक्ट एज अ बेस, सही है। तो ये जो है हमारे पास पानी में आयोनाइज भी हो जाता है फर्दर टू गिव अमोनियम आइन एंड हाइड्रोक्साइड आइन। अमोनियम आइन हम लोगों ने बॉन्डिंग में देखा हुआ है किस तरह से बनता है। इसमें हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि एक डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड बनता है जिसमें नाइट्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन पहले एच पॉजिटिव आइन को देता है और उसके साथ फिर कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है। दिस मॉलिक्यूल इज वन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अगर मैं सारे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसके काउंट करूं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के, और इलेक्ट्रॉन्स काउंट करूं, तो एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास कम होता है। इस वजह से इसके ऊपर जो चार्ज आता है दैट इज प्लस वन, और इसी को हम अमोनियम आइन कहते हैं। ये हमारे पास एक पॉलीएटॉमिक आइन है, ग्रुप 10 आइन और कैटायन जो हम लोगों ने पढ़े होते हैं, ओ लेवल से पढ़ते आ रहे। दिस इज अमोनियम आइन, सही है यहाँ तक बात। अब ये जो अमोनियम आइन है ये बहुत सारे कंपाउंड या सॉल्ट बनाता है, जैसे अमोनियम आइन जो है वो अमोनियम क्लोराइड, जब क्लोराइड आइन के साथ लगेगा तो ये बना लेगा अमोनियम क्लोराइड, एंड द फॉर्मूला इज NH4Cl। सिमिलरली हमारे पास अमोनियम सल्फेट भी होता है, सल्फेट भी एक पॉलीटॉमिक एनायन है, और इसका जो फॉर्मूला होता है डेट इज NH4 2SO4। देन वी हैव अमोनियम, अमोनियम हाइड्रोक्साइड तो आपने देख लिया, अल्कली है। अच्छा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड अल्कली तो है बट इट इज अ वीक अल्कली, नॉट अ स्ट्रॉन्ग अल्कली, ये वीक अल्कली होता है, ये भी याद रखना। इसकी जो आयनाइजेशन होगी बेसिकली डेट वुड बी रिवर्सिबल आयनाइजेशन, मतलब इनकम्प्लीटली आयोनाइज होगा। सिमिलरली अमोनियम फॉस्फेट, फॉस्फेट आइन जो होता है डेट इज PO4 3-, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा अमोनियम फॉस्फेट का NH4 3PO4, सही है। इसी तरह अमोनियम नाइट्रेट, हमारे पास होता है NH4, अच्छा नाइट्रेट NO3-1 होता है, तो अमोनियम नाइट्रेट इज NH4NO3, सही है। अच्छा, अमोनियम सॉल्ट्स का हम लोगों ने एक रिएक्शन पढ़ा हुआ होता है अल्कलीज के साथ, कि अगर हम किसी अमोनियम सॉल्ट को अल्कली के साथ हीट करेंगे तो एक दूसरा सॉल्ट वाटर और अमोनिया गैस बनती है। जो लेवल में भी रिएक्शन हम लोग भूल जाते हैं अक्सर, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अमोनियम क्लोराइड है, अमोनियम क्लोराइड जो है उसकी रूम टेम्परेचर पर सॉलिड स्टेट होती है, उसको अगर मैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि हमारा बेस या एल्केली है उसके साथ अगर मैं इसको हीट करूंगा तो हमें जो है वो सॉल्ट मिलेगा विच इज कैल्शियम क्लोराइड वाटर एंड अमोनिया गैस। तो ये रिएक्शन इसलिए याद रखना है, अक्सर वो कह देता है
कि कौन सा रिएक्शन है जिसमें अमोनिया गैस जनरेट हो रही है। तो दिस इज अमोनियम सॉल्ट, कोई भी अमोनियम सॉल्ट हो सकता है, जरूरी नहीं अमोनियम क्लोराइड ही हो, अमोनियम सल्फेट के साथ भी ये रिएक्शन होगा। जैसे दिस इज अमोनियम सॉल्ट, अमोनियम सल्फेट, और एल्केली भी कोई और हो सकता है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लें, तो ये सॉल्ट बन जाएगा सोडियम सल्फेट वाटर एंड अमोनिया गैस। सही है। अब हाउ जी सर, ये अमोनियम क्लोराइड क्या है और ये एल्केली के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो अमोनियम क्लोराइड क्या है फिर? अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट है, दिस इज अ सॉल्ट, सॉल्ट। हाँ, अब ये रिएक्शन में सॉल्ट एल्केली के साथ रिएक्ट हो रहा है, ये याद रखना है, क्योंकि हमें देखो एल्केली के सारे रिएक्शन याद, एल्केली एसिड के सारे रिएक्शन हमें याद होते हैं। एसिड मेटल्स के साथ जब रिएक्ट होता है तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बनती है। एसिड जब मेटल ऑक्साइड यानी कि किसी बेस के साथ रिएक्ट होता है तो सॉल्ट एंड वाटर बनता है। एसिड जब किसी एल्केली के साथ रिएक्ट होता है तो सॉल्ट एंड वाटर बनता है। एसिड जब किसी मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट होता है तो सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो ये रिएक्शन तो हम लोग नो ओ लेवल में बहुत पढ़े होते हैं, लेकिन ओ लेवल में ही एल्केली के दो रिएक्शन है, एक तो एसिड एंड एल्केली और दूसरा अमोनियम सॉल्ट एंड एल्केली। ये रिएक्शन हम लोग अक्सर भूल जाते हैं, अमोनियम सॉल्ट एल्केली, लेकिन इस रिएक्शन में ना हीट करना पड़ता है थोड़ा सा। इफ यू रिकॉल के ओ लेवल में हमने एक चीज पढ़ी होती है कि फार्मर्स आर ऑलवेज एडवाइज नॉट टू यूज अमोनियम सॉल्ट एंड एल्केली टूगेदर फॉर देयर एग्रीकल्चर। मतलब why farmers have to use alkalis, because jab acid drain hota hai to they have to neutralize that acid water from their fields. Similarly, and why farmers use ammonium salts, kyunki ammonium sulfate, ammonium chloride and ammonium phosphate, they all are used in fertilizers. Fertilizers mein ye sare salts hum log use kar rahe hote hain, ammonium salts, aur inka basic purpose ye hota hai ki sulfate, phosphate, chloride bhi chahiye hota hai, aur sath mein hame chahiye hota hai nitrogen. नाइट्रोजन क्यों चाहिए होता है क्रॉप्स को, क्योंकि नाइट्रोजन इज यूज्ड टू मेक देयर प्रोटीन्स। हाउएवर इफ अ फार्म फॉर एग्जांपल एसिड ड्रेन हुआ, फार्मर ने क्या किया, एल्केली डाला इन ऑर्डर टू न्यूट्रलाइज द एसिड, और उसी दिन उसने जो है वो अमोनियम फर्टिलाइजर भी डाल दिया, तो क्या होगा कि ये दोनों आपस में रिएक्ट कर जाएंगे। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट होंगे तो अमोनिया गैस विल बी इवॉल्व आउट। जब अमोनिया गैस रिलीज होगी तो जो नाइट्रोजन है वो उसके साथ इवॉल्व आउट हो जाएगा। तो नाइट्रोजन तो डाला था कि ताकि क्रॉप्स जो है, प्लांट जो है उसको एब्जॉर्ब करें टू मेक देयर प्रोटीन्स, लेकिन अगर नाइट्रोजन अमोनिया गैस के साथ निकल गया है तो वो नुकसान हो गया फार्मर का। अच्छा, इस रिएक्शन में हाउ कैन वी प्रूफ के वाकई में अमोनिया गैस इवॉल्व आउट हो रही है, बन रही है, तो उसके लिए हमारे पास एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप होता है, इट्स लाइक दिस। उसमें हम क्या करते हैं, एक टेस्ट ट्यूब में या बॉइलिंग ट्यूब में हम लोग अमोनियम क्लोराइड, कोई भी अमोनियम सॉल्ट ले लिया, जैसे यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड ले लिया, और साथ में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल के इसको हीट करा, तो अब इसमें सॉल्ट बन रहा है, वाटर बन रहा है, और अमोनिया गैस जो होगी वो गैस है, तो इट विल मूव अवे, और उसको हमने पास करवाया हुआ है पहले कैल्शियम ऑक्साइड से। अच्छा, कैल्शियम ऑक्साइड से क्यों पास करवाया हुआ है, देखो जो वाटर बन रहा है ना, जब हम हीट कर रहे हैं तो वाटर के कुछ वेपर भी बन रहे होंगे, लिक्विड फॉर्म में वाटर है तो वो वेपराइज भी हो रहा होगा जब हीट कर रहे हो, तो अमोनिया के साथ वाटर वेपर्स भी आ रहे होंगे। तो वाटर वेपर्स हम लोग ना इस टेस्ट ट्यूब में, सॉरी ये जो यूट्यूब हमारे पास है, इसमें जब अमोनिया और वाटर दोनों पास होंगे तो वाटर जो है वो यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड बेसिकली हमारे पास एक ड्राइंग एजेंट है जो पानी को एब्जॉर्ब करता है, इसकी जगह ड्राइंग एजेंट की जगह कैल्शियम ऑक्साइड भी हो सकता है, कोबाल्ट क्लोराइड भी होता है, और सिलिका भी होता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। तो ये सारे ड्राइंग एजेंट हैं जो कि मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एंड अमोनिया वोंट रिएक्ट विद कैल्शियम ऑक्साइड, क्योंकि अमोनिया भी बेसिक है, कैल्शियम ऑक्साइड भी बेस है, तो अमोनिया जो है वो यहाँ से पास होकर बाहर निकल जाएगी, और जिस ट्यूब से वो पास होके बाहर निकल रही है तो उसके बाहर हमने डैम रेड लिटमस पेपर लगाया है। डैम इसलिए करते हैं क्योंकि अमोनिया जब पानी के साथ कॉन्टेक्ट में आएगी तो इट विल प्रोड्यूस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्योंकि एल्केली है तो वो रेड लिटमस पेपर का कलर चेंज कर देगी ब्लू में। तो इफ द डैम रेड लिटमस पेपर टर्न्स ब्लू, वी कैन से फॉर श्योर दैट अ बेसिक गैस इज बीइंग रिलीज्ड एंड दैट कैन बी अमोनिया। ठीक है, आई थिंक ये तो बड़ी सिंपल सी बात है ना। इक्वेशन इसमें अमोनियम सॉल्ट की इक्वेशन आपको कोई भी अमोनियम सॉल्ट हो सकता है, जैसे अमोनियम सल्फेट की बना लेना
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ उसको बैलेंस कर लेना। तो वो जरूरी नहीं है कि अमोनियम क्लोराइड ही आपको हमेशा दे, वो अमोनियम सल्फेट दे देगा और अल्कली दे देगा, बोलेगा कि प्रोडक्ट बताओ और बैलेंस केमिकल इक्वेशन बताओ। तो एज अ होमवर्क यू कैन प्रैक्टिस ऑल दिस इक्वेशन, अमोनियम क्लोराइड के साथ, अमोनियम सल्फेट के साथ, अमोनियम फॉस्फेट के साथ भी कर सकते हो। तो ये काम आप लोग खुद कर लेना, सॉल्ट वाटर एंड अमोनिया गैस प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन इनको इक्वेशन को बैलेंस भी करना है, तो बैलेंस भी करना है। ठीक है। अच्छा, अब अमोनियम सॉल्ट्स हमारे यूज हो रहे होते हैं फर्टिलाइजर मेकिंग में। तो अमोनियम सॉल्ट बेसिकली हम लोग बनाते कैसे हैं, हम अमोनिया से बनाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अमोनियम नाइट्रेट बनाना है, तो अमोनिया मुझे पता है एक बेसिक गैस है, तो अगर मैं उस बेसिक गैस को रिएक्ट करवा दूंगा किसी एसिड के साथ, जैसे अमोनियम नाइट्रेट बनाना है तो उसको मैं नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करवा दूंगा, तो अमोनियम नाइट्रेट बन जाएगा। अगर मुझे अमोनियम सल्फेट बनाना है तो उसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करा देंगे तो अमोनियम सल्फेट बन जाएगा। अगर अमोनियम फॉस्फेट बनाना है तो उसको फॉस्फोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करा देंगे। तो आई थिंक ये इक्वेशंस भी यू शुड डू एज योर होमवर्क, कि अगर मेरे पास अमोनिया गैस है, मैंने उसको नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया, अब ये एक्वस अमोनिया लेंगे ताकि अल्कली, नहीं भी लोगे एक्वस, नाइट्रिक एसिड में डालोगे तो नाइट्रिक एसिड तो एक्वस ही लोगे ना। इसी तरह हम में अगर अमोनियम सल्फेट बनाने तो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करा देंगे, और अगर मुझे क्या कहते हैं अमोनियम फॉस्फेट बनाने तो फॉस्फोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करा देंगे H3PO4। अगर मुझे अमोनियम क्लोराइड बनाना है तो मैं एक्वस अमोनिया को, यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड को HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करा दूंगा। डाइनो के इसमें अमोनियम नाइट्रेट बनेगा, दूसरी वाली इक्वेशन में अमोनियम सल्फेट बनेगा। अब ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रहा है बेसिकली, ठीक है, जिसमें हम लोग डिफरेंट अमोनियम सॉल्ट बना रहे हैं, क्योंकि अमोनियम एक्वस अमोनिया जो है दैट इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड एल्कली है, तो एसिड के साथ रिएक्ट करेगी टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है, साथ में वाटर भी बनता जाएगा। अब यहाँ पे देखो अक्सर इस इक्वेशन में कंफ्यूजन क्या होती है, मैं तुम्हें बताता हूँ। आपने ये लिखा अमोनियम फॉस्फेट और अमोनियम क्लोराइड, अच्छा मैं वाटर नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे, प्रोडक्ट में वाटर भी तो बन रहा है, लेकिन अगर मैं ऐसे अमोनिया लिखता हूँ ना और एक्वस लिखता हूँ तो हम प्रोडक्ट में वाटर नहीं लिखते, लेकिन अगर आप अमोनिया लिखने के बजाय अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एक्वस अमोनिया मीन्स अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये एक ही चीज है, एक्वस अमोनिया लिख दो या अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिख दो, लेकिन जब मैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिखूंगा तो प्रोडक्ट में मैं फिर वाटर भी लिखूंगा। तो ये दो अलग अलग रिएक्शंस नहीं है, ये पहला वाला रिएक्शन और ये जो मैंने रेड में नीचे वाला लिखा है ये एक ही रिएक्शन है, बस क्योंकि यहाँ पे मैंने OH नहीं दिखाया था इसलिए मैंने राइट साइड पे वाटर नहीं दिखाया। तो अगर आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिखोगे तो वाटर लिखोगे, तो इन सब के साथ ऐसे ही हो जाएगा, अगर अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिखोगे तो सॉल्ट के साथ वाटर भी बन रहा होगा। ठीक है, तो अगर मुझे अमोनियम नाइट्रेट सॉल्ट बनाना है तो हमारे पास देखो सबसे आसान तरीका ये है कि नाइट्रोजन गैस है एयर में, नाइट्रोजन गैस को सबसे पहले मैं कन्वर्ट करूंगा इसमें अमोनिया गैस में, हेबर प्रोसेस, ठीक है, रिएक्शन सीक्वेंस ये होगी, फिर अमोनिया को एक पानी में डिजोल्व करके एक्वस अमोनिया बना के मैं नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कराऊंगा, तो हमारे पास अमोनियम नाइट्रेट सॉल्ट बन जाएगा। सही है, कोई सवाल? अमोनियम नाइट्रेट फर्टिलाइजर्स के लिए यूज होता है, और अमोनियम नाइट्रेट के और भी काम है, मतलब ज्यादा बड़ा काम ना इसका एक्सप्लोजिव्स के लिए, क्योंकि देखो जहाँ भी नाइट्रिक एसिड या नाइट्रेट आता है ना, तो हमारे पास बेसिकली एक्सप्लोजिव्स क्या होते हैं, जैसे TNT होता है ना, ट्राइनाइट्रोटोलीन, वो कुछ इस तरह का होता है, इसमें ना नाइट्रो, तीन नाइट्रो फंक्शनल ग्रुप लगे हुए होते हैं, और ये जो बीच में मैंने रिंग टाइप बनाया है दैट इज एक्चुअली नोन एज बेंजीन, या A2 में पढ़ोगे, और यहाँ पे एक CH3 लगा हुआ होता है, तो इस फुल नेम इज ट्राइनाइट्रोटोलीन, और जिसको हम TNT कहते हैं। तो ये अमोनियम नाइट्रेट के यूजेस हैं बेसिकली।
बाकी नाइट्रिक एसिड भी और भी नाइट्रिक एसिड के यूजेस हैं, ये सब लिखे हुए हैं, इसलिए ना मैं थोड़ा जल्दी पढ़ा रहा हूँ, लिख नहीं रहा। नाइट्रिक एसिड बेसिकली हमारा मैन्युफैक्चर ऑफ डिटर्जेंट्स, पेंट्स, पिगमेंट, आईज एंड नाइलॉन, इन सब चीजों में भी यूज हो रहा होता है। ठीक है, सो फार सो गुड। अच्छा, फ्यू क्वेश्चंस जो आप खुद कर रहे होगे, वेरी इजी, नथिंग इज देयर। अमोनिया इज मेड इन इंडस्ट्री यूजिंग हेबर प्रोसेस, राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द सिंथेसिस ऑफ अमोनिया। हेबर प्रोसेस की इक्वेशन लिखनी है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस अमोनिया, बैलेंस्ड इक्वेशन, स्टेट सिंबल सबके गैस होंगे उसमें। फिर फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम सल्फेट फर्टिलाइजर, तो अमोनियम सल्फेट बनाने के लिए आप क्या करोगे, अमोनिया को रिएक्ट कराओगे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, क्योंकि सल्फेट है ना, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख देना। अगर आप एक्वस अमोनिया लिख रहे हो, NH3 एक्वस लिख रहे हो, तो फिर आपको वाटर लिखने की जरूरत नहीं है। आपने एक्वस अमोनिया लिखा, सल्फ्यूरिक एसिड लिखा, और प्रोडक्ट में आपने अमोनियम सल्फेट ऐसे बना दिया, ठीक है, और इस इक्वेजन को आपने फिर बैलेंस केमिकल इक्वेजन बना के लिख देना। वर्कआउट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन अमोनियम नाइट्रेट फर्टिलाइजर, वेरी इजी, ये काम आपका मोल्स में भी हमने देखा है, ओ लेवल से देखते आ रहे हो कि अगर अमोनियम नाइट्रेट है मेरे पास, या अमोनियम सल्फेट है, या कुछ भी अमोनियम का कोई भी सॉल्ट है, इसमें परसेंटेज बाय मास ऑफ नाइट्रोजन अगर आपको निकालना है, तो यू नो नाइट्रोजन एटॉमिक मास इज 14। इसमें हमारे पास इस पहले वाले फॉर्मूला में अमोनियम नाइट्रेट में दो नाइट्रोजन है, तो 2 × 14, और फिर इस पूरे का जो MR होगा वो नीचे आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 100। आई होप इसका आपको बहुत अच्छे से आइडिया है। अच्छा, ज्यादातर क्वेश्चन हमारे पास इन्वायरमेंटल रिलेटेड आते हैं, कि नाइट्रोजन कंपाउंड्स जो है वो क्यों हमारे पास हैजर्डस है, मतलब डिसएडवांटेजेस क्या है, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्या है इनके। तो ये भी आप लोगों ने ना ओ लेवल में पढ़ा हुआ है कि सबसे बड़ा इसका जो हमारे पास इफेक्ट है, डेट इज यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन क्या होता है, देखो जब आप नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स जैसे कि अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, अगर ये आप फर्टिलाइजर्स के तौर पे यूज करते हो, तो फार्मर जो है उसको इरिगेशन तो करनी है, प्लांट तो करना है क्रॉप्स को, तो क्या होता है पानी के साथ ये कुछ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर जो है वो बहते हुए कहाँ पे आपके जो नियर बाय रिवर्स या लेक्स या पूल्स होते हैं उसमें कहीं ना कहीं वो पहुंच जाते हैं। फिर क्या होता है, देखो प्लांट पानी में भी प्लांट्स होते हैं जिनको हम एलजी कहते हैं, ठीक है, वो जो एलजी होता है वो हमें पता है कि वो एक तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बट डेट नीड्स लाइट टू मेक इट्स ओन फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस, ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें पता है। तो एलजी जिसको हम काई भी कहते हैं, तो वो वैसी ग्रो हो रही होती है पानी के ऊपर, लेकिन जब नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर लीच अवे होके उसमें आ जाएंगे तो क्या होगा, उनकी जो ग्रोथ है वो ज्यादा होना शुरू हो जाएगी, एबनॉर्मल ग्रोथ हम जिसको कहेंगे। अच्छा, एलजी जो है वो सरफेस पे ग्रो करता है, तो जब वो सरफेस पे ग्रो करेगा तो क्या होगा, लाइट जो फर्दर लाइट है, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस करता है, लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, अगर लेक्स की सरफेस पे एलजी आके जमा हो जाएगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, जो लाइट है वो अंदर नहीं जा पाएगी, ब्लॉक हो जाएगी, सरफेस पे एलजी आ गया बहुत सारा, अब सनलाइट जो है कैन नो मोर गो इनटू द लेक। अच्छा, यहाँ पे भी कुछ हमारे पास अंडर बेड अंडर वाटर जो है वो प्लांट्स होते हैं, उनको भी लाइट चाहिए फॉर फोटोसिंथेसिस, अब वो प्लांट जो है वो ऐसा ऐसा मरना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, और जब वो मरेंगे तो ऑब्वियसली हमारे पास कोई भी चीज डेथ ऑर्गेनिज्म जब होता है तो उस पर बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन होती है, तो बैक्टीरिया स्टार्ट्स फीडिंग ऑन देम डिकम्पोजिंग द प्लांट मटेरियल, और जब बैक्टीरिया उन पे फीड करेंगे तो ऐसा ऐसा बैक्टीरिया की पॉपुलेशन बढ़ना शुरू हो जाएगी, तो क्या होगा, जो बैक्टीरिया है वो तो प्लांट्स नहीं है ना, दे एक्चुअली रेस्पायर, प्लांट्स तो फोटोसिंथेसिस करते हैं, ऑक्सीजन दे गिव आउट एंड कार्बन डाइऑक्साइड दे टेक इन, बट बैक्टीरिया दे विल टेक इन ऑक्सीजन, तो वाटर में ऑक्सीजन की सप्लाई जो होगी वो कम हो जाएगी, क्योंकि प्लांट्स जो है फर्दर फोटोसिंथेसिस कर नहीं पा रहे, वो तो डेथ हो गई उनकी, क्योंकि सनलाइट नहीं आ रही थी नीचे, तो डिजोल्व ऑक्सीजन जो है वो कम हो जाएगी, जब ऑक्सीजन कम होगी तो ऑब्वियसली जो मरीन लाइफ है, फिशेज हैं, जो भी पानी के अंदर मरीन लाइफ है, दे विल स्टार्ट डाइंग, तो अगेन उनकी कंपोजिशन स्टार्ट जाएगी, दैट विल अफेक्ट होल इकोसिस्टम ना, आपने पूरी मरीन लाइफ डिस्टर्ब कर दी है जस्ट बाय यूजिंग फर्टिलाइजर्स।
अब ये हमें पता है कि इन्वायरमेंटल डैमेज है, लेकिन पॉपुलेशन जैसे बढ़ रही है दुनिया की, तो एग्रीकल्चर हमें करने के लिए उसी फील्ड को हम जब बार बार यूज कर रहे होते हैं तो सॉइल गेट एग्जॉस्टेड, तो उसके लिए मजबूरन हमें फर्टिलाइजर यूज करना पड़ता है वरना क्रॉप्स भी ग्रो नहीं करेंगी। ठीक है, तो यूट्रोफिकेशन, अब ये जो एक डायग्राम बनी हुई है ना, ये बेसिकली ये लैंड नहीं है, ये पानी है, लेक है, और इस पे जो है ये ग्रीन ग्रीन पूरा सरफेस ग्रीन हुआ है, दैट इज द ग्रोथ ऑफ एल्जी। अब ये इतना इतना ज्यादा हुआ है कि यहाँ पर आपको पानी दिख ही नहीं रहा है सरफेस पे, तो ये जितनी भी सनलाइट यहाँ पे आनी है तो सनलाइट तो नीचे तो नहीं जाएगी, अब्सॉर्ब हो जाएगी, तो नीचे जो चीज है प्लांट्स वगैरह ये जो मरीन लाइफ है दे आर अफेक्टेड, बैडली अफेक्टेड। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़े। यस सर। अच्छा जी, अब देखो एयर में हमने देखा था, एयर में हमारे पास बेसिकली क्या हुआ था, जब लाइटनिंग होती है, नाइट्रोजन गैस वैसे तो अनरिएक्टिव है, लेकिन जब लाइटनिंग होती है तो उसको बहुत ज्यादा एनर्जी मिल जाती है, बॉन्ड ब्रेकिंग हो जाती है और वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन फोर ऑक्साइड बना लेता है। अब ये जो नाइट्रोजन अच्छा सॉरी पहले नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनाएगा और फिर फर्दर नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और वाटर और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके इट विल फॉर्म नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो फर्दर वाटर और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्रिक एसिड बना रहा है। अच्छा, ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एयर में बन रही है ना, तो ये बेसिकली इसका चलो एक तो बन गई, समझ आ गया, एक बार लाइटनिंग हुई ये बन गई, बात खत्म हो गई, नाइट्रिक एसिड बना और नाइट्रिक एसिड बन के एसिड रेन होके नीचे आ गया, एक तो ये बात हमें समझ आती है, चलो एक बार हो गया सो हो गया। लेकिन ये ना पता है इस रिएक्शन में मसला क्या होता है कि एयर में सल्फर डाइऑक्साइड भी होती है। अब सल्फर डाइऑक्साइड कहाँ से आती है? देखो सल्फर डाइऑक्साइड नेचुरली तो नहीं बन रही, वो तो मैन मेड एक्टिविटी है। वो क्या है, जब हम फॉसिल फ्यूल यानी कि पेट्रोल और क्रूड ऑयल जलाते हैं, पेट्रोल हम गाड़ियों में यूज करते हैं, क्रूड ऑयल हम इसलिए जलाते हैं क्योंकि हमें इलेक्ट्रिसिटी बनानी होती है पावर प्लांट्स में, तो सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज हो रही होती है क्योंकि पेट्रोल्स में हमारे पास सल्फर कंटेंट होता है। हम ट्राई तो करते हैं जितना हम निकाल सकते हैं सल्फर कंटेंट पेट्रोल से निकाल देते हैं, जिसको हम डीसल्फराइजेशन कहते हैं। जितना सल्फर आप निकालते गए हैं हम आज तक, तो हम लोग फ्यूल जो है वो यूरो 4 और पूरी दुनिया जो है तकरीबन यूरो 6 पे आ गई है, कि जितना सल्फर कॉन्टेंट आप इसमें निकाल सकते हो निकालो, अच्छी बात, लेकिन अभी भी पूरी तरह तो नहीं निकलता। पहले इतने सालों से तो सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है एग्जॉस्ट में से, कार फ्यूम्स हो गए, बहुत सारी चीजें हो गई ना, जहां जहां आप फ्यूल जला रहे हो, तो सल्फर डाइऑक्साइड आपने खुद एनवायरनमेंट में ऐड करी है, मैनमेड एक्टिविटीज है आपकी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड लाइटनिंग की वजह से। अब सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो सल्फर ट्राइऑक्साइड और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बना, देखो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से नाइट्रिक एसिड बन रहा है, इसको पानी में और फर्दर ऑक्सीजन के साथ इट प्रोड्यूसेस नाइट्रिक एसिड, चलो सही है, ये अगर बन गया तो ये तो खत्म हो गई। सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड डायरेक्टली पानी में फॉरन डिजोल्व नहीं होती है, सल्फर ट्राइऑक्साइड जल्दी डिजोल्व हो जाती है टू प्रोड्यूस सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फर डाइऑक्साइड को कौन सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहा है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अच्छा, और ये खुद रिड्यूस बेसिकली सल्फर डाइऑक्साइड को ये क्या कर रही है, ऑक्सीडाइज कर रही है, क्योंकि देखो इसमें पहले ऑक्सीजन 2 थे अब 3 हो गए, तो सल्फर डाइऑक्साइड को इसने ऑक्सीडाइज किया और खुद ये रिड्यूस्ड हो गई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड में। फिर क्या हुआ कि जो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है ये अगेन एयर में तो ऑक्सीजन तो है ना, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना लेती है और फिर यही काम करना शुरू कर देगी, तो इसको हम कहते हैं जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है बेसिकली एट द स्टार्ट एंड एट द एंड ऑफ अ रिएक्शन सेम है, तो इसको हम कहते हैं ये कैटलिटिक एक्शन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, और ये रिएक्शन बहुत आता है इसी नाम से डिफाइन द कैटलिटिक एक्शन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो उसमें आपको ये दो इक्वेशंस याद होनी चाहिए कि व्हाई नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज एक्टिंग एज अ कैटलिस्ट इन द एटमॉस्फेयर, बिकॉज इट ऑक्सीडाइजेस सल्फर डाइऑक्साइड टू सल्फर ट्राइऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा पानी में डिजोल्व होकर, और दैट नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, अच्छा नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड डिजोल्व नहीं हो रही है पानी में, लेकिन वो दोबारा एयर के साथ रिएक्ट करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना लेगी जो कि पानी में डिजोल्व हो गया एसिड बनाएगा। जी सर, ये तो फिर कंटीन्यूअस रिएक्शन हुआ। यस, एंड द प्रॉब्लम इज के नाइट्रोजन डाइऑक्साइड स्टेज इन द एटमॉस्फेयर फॉर अ वेरी 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 लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो एक बार अगर वो रिलीज हो गई है या लाइटनिंग हो गई है, तो लाइटनिंग होने के बाद चलो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लाइटनिंग तो नेचुरल प्रोसेस है, यू कैन नॉट स्टॉप इट, बट इफ यू हैव रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर एज वेल
तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड विल स्टार्ट अ कैटलिटिक बिहेवियर एंड इट विल स्टे फॉर अ वेरी लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. जब तक के सारा का सारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नाइट्रिक एसिड नहीं बना लेता तब तक ये जो है काफी अरसे तक, क्योंकि ये वापस कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रोजन मोनोक्साइड में, भी दोबारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, तो ये काफी अरसे तक एटमोसफेयर में रहता है. और इट विल पॉल्यूटेंट्स तो हम रेगुलरली जला रहे हैं, डेली बेसिस पे हम लोग फ्यूल बर्न कर रहे हैं गाड़ियों में, तो हमारे पास सल्फर ट्राइऑक्साइड रेगुलरली जनरेट होती रहती है, और एसिड रेन का प्रॉब्लम जो है वो फिर परसिस्टेंट रहता है. सर, आप ऊपर इक्वेशन एक बार दिखा सकते हैं नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के? नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की कमी, दिस वन पूछना है कुछ इसमें? नहीं सर, वो अभी नाइट्रोजन की जो आप दिखाए थे वो वाली। सर ये कह रहे हो कैटलिटिक एक्शन कहते हैं इसको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का. वेबर प्रोसेस की आप दिखा सकते हैं नीचे? दिखाता हूँ ये हो गया है. कौन पूछ रहा था, मरियम या जबाद? जी सर, हो गया, थैंक यू। अच्छा ये मैं हैंडआउट भी आपको भेज देता हूँ, तो अगर कुछ मिस आउट हो रहा है तो उसमें कोई ऐसा जितना प्रॉब्लम नहीं है, आसान सी चीज है. मरियम क्या कह रहे हो, क्या देखना हैवल प्रोसेस की पिक्चर पिक्चर डायग्राम? डायग्राम तो जी। नहीं पड़ी, इक्वेशन तो यू नो ओ लेवल वाली है. ये ठीक है सर, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है ना कैटलिटिक एक्शन की, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है इस वजह से क्योंकि इसका क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है. डिफाइन द कैटलिटिक एक्शन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. तो ये दोनों इक्वेशन आपने हर हाल में जो है बिल्कुल अच्छे से याद करके रखनी है. ठीक है, एक ये वाली इक्वेशन और एक ये वाली इक्वेशन. इसके बाद भी इक्वेशन है क्योंकि आपको अच्छे से याद रखनी है. वो कौन सी है, देखो अब हमें कोई ना कोई हल तो निकालना है ना, कि हम गाड़ियां तो चला रहे हैं, गाड़ियां चलाना तो नहीं छोड़ सकते, तो किस तरह से हम कंट्रोल करें कि हम नाइट्रोजन जो है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड कम से कम एटमोसफेयर में रिलीज करें ताकि वो कम से कम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बने, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन के वो ज्यादा देर तक एटमोसफेयर में रहता है. तो हम लोग गाड़ी में अपने जो कार्स का एग्जॉस्ट होते हैं उस पर कैटलिटिक कन्वर्टर लगाते हैं. अक्सर तुम लोगों ने गाड़ियों पे लिखा हुआ देखा होगा फिटेड विद कैटलिटिक कन्वर्टर, एंड दैट इज मैंडेटरी विद ऑल द कार्स नाउ. अच्छा कैटलिटिक कन्वर्टर बेसिकली क्या होता है, एक हमारा ना इस तरह का मैश होता है जिसमें जो गाड़ी का एग्जॉस्ट है वो डायरेक्ट गाड़ी से बाहर पास होने के पहले कैटलिटिक कन्वर्टर से पास होता है, फिर बाहर पास होता है. अब ये जो कैटलिटिक कन्वर्टर है बेसिकली इसमें प्लेटिनियम लगा हुआ होता है, दैट्स व्हाई इट इज वेरी एक्सपेंसिव, क्योंकि प्लेटिनियम एक्सपेंसिव होता है. तो कैटलिटिक कन्वर्टर कुछ भी नहीं करता, ये सिर्फ ना जो गैसेस एग्जॉस्ट गैसेस आपकी आ रही है ना गाड़ी के इंजन से उनको थोड़ी देर के लिए अपने पास रोक लेता है और कुछ नहीं करता. अब इसको कैटलिस्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये ना रिएक्शन को थोड़ा सा स्पीड अप करा देता है. देखो जब इंजन में फ्यूल जलता है जैसे कि पेट्रोल है C8H18, तो इट प्रोड्यूसेस व्हेन इट बर्न्स इन ऑक्सीजन, तो कंबशन आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर होती है अगर कंप्लीट कंबशन होती है. हाउएवर अगर इंजन में इनकम्प्लीट कंबशन हो रही है जो कि अक्सर गाड़ियों में थोड़ी बहुत हो रही होती है, तो क्या होता है इनसफिशियंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन की वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनता है, और अगर बहुत ही इनकम्प्लीट कम्बशन है तो डायरेक्ट कार्बन के पार्टिकल्स आना शुरू हो जाते हैं जिसको हम कहते हैं सूट, एंड सूट व्हेन कंबाइंस विद एयर इट प्रोड्यूसेस स्मोक, जिन गाड़ियों से धुआं निकल रहा होता है काला. तो वो तो चलो एक बहुत ऑब्सोलीट बात है, हर गाड़ी से तो नहीं निकल रहा होता और निकलना भी नहीं चाहिए अगर उसकी प्रॉपर मेंटेनेंस हो, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड फिर भी निकल रही होती है. कार्बन मोनोऑक्साइड कलरलेस है, आपको दिखती नहीं है. कार्बन मोनोऑक्साइड आपको पता है पॉइजनस गैस है, इट कम्बाइंस इरिवर्सिबली विद द हीमोग्लोबिन, और अगर एयर में वो कार्बन मोनोऑक्साइड निकल रही है तो नॉट गुड. अच्छा अब कैटलिटिक कन्वर्टर, अब देखो हमारे पास जब हम फ्यूल जलाते हैं तो फ्यूल में भी नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड निकलता है. अच्छा नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड एक तो मैंने बताया जनरेशन का रीजन क्या है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन लाइटनिंग की वजह से रिएक्ट करते हैं टू प्रोड्यूस नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड. ये तो आप नहीं रोक सकते, देखो आप खड़े होकर लाइटनिंग नहीं रोक सकते, लेकिन जो आप मैन मेड नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहे हो वो तो रोक सकते हो ना,
और उसको रोकने के लिए आप क्या करोगे, कैटलिटिक कन्वर्टर लगाओगे। कार्बन मोनोऑक्साइड नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड दे रिएक्ट टुगेदर, लेकिन एग्जॉस्ट गैसेस में जब गैसेस प्रेशर से बाहर निकलती हैं तो देयर इज नो सफिशिएंट टाइम फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड टू रिएक्ट टुगेदर, बिकॉज जब बाहर निकल जाती है एटमोसफेयर में तो वो दूर दूर हो जाती है तो वो रिएक्ट नहीं हो पाती। तो कैटलिटिक कन्वर्टर सिर्फ ये करता है कि उनको थोड़ी देर के लिए रोक लेता है, सो दैट टू गिव देम सम टाइम दे कैन कम इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर एंड दे रिएक्ट। क्योंकि कैटलिटिक कन्वर्टर प्लेटिनियम का होता है, प्लेटिनियम में प्लेटिनियम मेटल जो होता है उसमें स्मॉल पोर्स होते हैं जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के मॉलिक्यूल जो है वो फंस जाते हैं। जब वो फंस जाते हैं तो आपस में एक दूसरे के साथ कोलाइड करना शुरू करते हैं, दे रिएक्ट। तो जब इनका रिएक्शन होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का, तो कार्बन मोनोऑक्साइड कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रोजन गैस। तो हमारी जो मैनमेड एक्टिविटीज की वजह से नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही थी उसको हमने रिवर्ट कर दिया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना दिया। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड तो प्रोड्यूस हो रही है, वो तो होगी, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड से बेहतर है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस की जाए, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा हैजर्डस है। कार्बन डाइऑक्साइड भी ऑब्वियसली, जब कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है कि प्रोड्यूस हो जा रही है, तो एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, वो एक अलग हैजर्ड है। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड से बेटर है आप कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरमेंट में डाल दो, लेस हार्मफुल है। और नाइट्रोजन मोनो, इससे फायदा ये हो रहा है कि नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड भी रिलीज नहीं हो रही है, वो नाइट्रोजन गैस की फॉर्म में रिलीज हो रही है। हाँ, अब ये नाइट्रोजन गैस लाइटनिंग की वजह से नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाए तो वो हमारे अभी हाथ में नहीं है कि हम उसको किसी तरह कंट्रोल कर सकें। सही है, समझ आती है यहाँ तक बात? अच्छा, इसका अक्सर ना ये क्वेश्चन ये इस तरह से पूछता है कि जैसे फॉर एग्जांपल इसमें से कौन सी स्पीशी, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड में से कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा रिड्यूस्ड हो रहा है। तो वो जो हमने रिडॉक्स में पढ़ा है कि हम ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकाल के देखते हैं कि किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है और किसकी डिक्रीज हो रही है। तो अगर मैं कार्बन मोनोऑक्साइड की और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की बात करूं तो कैन यू गाइस टेल मी कि कौन सा इसमें से रिड्यूस्ड हो रहा है, कौन सा ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। देखो, ऑक्सीजन के बारे में हमारी बात हुई है कि ऑक्सीजन विल हैव अ फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट जिसको हम वैलेंसी कहते हैं ऑक्सीजन की, दैट विल माइनस टू। ठीक है, अच्छा यहाँ पे माइनस टू, यहाँ प्लस टू, तो नाइट्रोजन प्लस टू से जीरो जा रहा है, प्लस टी से जीरो जाना, दिस इज डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज रिडक्शन। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड इज बीइंग रिड्यूस्ड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड। यस, कार्बन मोनोऑक्साइड इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड या मोनोऑक्साइड। ठीक है, और जो चीज खुद रिड्यूस्ड होती है दैट एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो चीज ऑक्सीडाइज्ड होती है दैट एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर है यहां तक? ये बहुत सबसे आसान चैप्टर यही है, समझ लो, बस इतना थ्योरेटिकल इक्वेशंस आपको याद रखनी है और कुछ भी नहीं करना है इस चैप्टर में। सर, इस चैप्टर में तो ज्यादातर हमें एनवायरमेंटल मेजर्स याद करने हैं और एनवायरमेंटल जो भी हार्म है, राइट? यस, वो भी, और वो तो देखो एक दो मार्क्स का आएगा, लेकिन जो इक्वेशंस है ना, कैटलिटिक कन्वर्टर कैसे काम कर रहा है, उसमें क्या रिएक्शन हो रहा है, हाउ कम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एक्टिंग एज अ कैटलिस्ट, वो दो इक्वेशंस जो है, अमोनिया के जो रिएक्शंस है, ये सारी इक्वेशंस आपको जहन में रखनी है। ये इक्वेशंस इतनी सारी हो गई हैं कि आप कहीं ना कहीं मैसअप कर जाओ, तो ये थोड़ा सा हमारे पास ना क्या कहते हैं एक अजीब सा काम है, मुश्किल तो नहीं है बट लेबोरियस हो गया ना, इतना ज्यादा मेमोरी बनाना पड़ जाएगा आपको। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। अच्छा, देन वी हैव सल्फर एंड इट्स ऑक्साइड। सल्फर, हमें पता है कि सल्फर जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा। अब गाड़ियों के एग्जॉस्ट से, अब ये नेचुरली नहीं बन रहा होता, अब आप ये मैनमेड एक्टिविटीज हैं, जैसे आप गाड़ी में फ्यूल जला रहे हो, क्रूड ऑयल जला रहे हो इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी इन इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट्स, तो ये सारी चीजें आप सल्फर डाइऑक्साइड जनरेट करवा के दे रहे हो एटमोसफियर में, तो वो मैनमेड एक्टिविटीज हैं। अब सल्फर डाइऑक्साइड, हमने देखा कि सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो फर्दर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके, जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, सल्फर ट्राइऑक्साइड बना रहा है। एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड रिडली डिसॉल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस सल्फ्यूरिक एसिड, तो दिस इज द कॉज ऑफ एसिड रेन। ठीक है, तो सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके, देखो ये हमारा है सल्फर, आप गाड़ी में जलाओगे या कहीं भी फ्यूल जलाओगे तो सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा, और ये सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाएगा।
अभी जो सल्फर ट्राइऑक्साइड है ये पानी में डिजोल्व होके जब एसिड रेन बारिश होगी तो ये सल्फ्यूरिक एसिड बनके ऐसा एसिड रेन गिरेगा। ठीक है, सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, सल्फर की सल्फर एलिमेंटल स्टेट जो तो जीरो होगी, लेकिन जब सल्फर सल्फर डाइऑक्साइड की फॉर्म में होगा तो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, जब SO3 की फॉर्म में होगा तो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, और जब ये H2SO4 बनेगा तो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी। तो अक्सर ये चीजें पूछ रहा होता है, यू कैन वर्क इट आउट वेरी इजी। तो इसमें प्लस फोर हो जाएगी, इसमें प्लस सिक्स हो जाएगी, और सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन इज प्लस वन तो टू इंटू प्लस वन सल्फर इज एक्स एंड ऑक्सीजन इज फोर इंटू माइनस टू ओवरऑल इज जीरो। तो माइनस एट प्लस टू इज माइनस सिक्स, तो इट वुड बी प्लस सिक्स, तो इसमें भी प्लस सिक्स होगी। तो ये अक्सर पूछ रहा होता है ऑक्सीडेशन स्टेट्स। तो सल्फ्यूरिक एसिड एसिड रेन हो रही है, तो एसिड रेन तो एग्रीकल्चर के लिए भी नुकसानदेह, प्लांट्स के लिए भी नुकसानदेह। इसी तरह रिवर्स में जब पानी गिरेगा एसिड बारिश का, एसिड रेन गिरेगी तो मरीन लाइफ के लिए भी नुकसानदेह, ह्यूमंस के लिए भी नुकसानदेह, लेकिन वी कैन अवॉइड गेटिंग वेट इन टू रेन। हम तो चलो अंदर चले गए, लेकिन फिशेस क्या करेंगी, ठीक है, और एनिमल्स अगर भीगते हैं तो वो क्या करेंगे, अगर प्लांट्स हैं तो उन प्लांट्स को आप कवर नहीं कर सकते एसिड रेन से। इसी तरह जब हमारे पास पुरानी बिल्डिंग है कैल्शियम कार्बोनेट की, यू नो कैल्शियम कार्बोनेट इज लाइमस्टोन, लास्ट क्लास में बात हुई थी कैल्शियम कार्बोनेट इज लाइमस्टोन, तो मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो पुरानी बिल्डिंग्स डैमेज होती हैं। ठीक है, प्रिवेंशन हमारे पास है इन सब चीजों की, लेकिन मछलियों को, फिशेस को, मरीन लाइफ को, प्लांट्स को तो हम नहीं बचा सकते। ठीक है, अब कैल्शियम कार्बोनेट की बिल्डिंग जो है वो आप ना बनाए, लेकिन ये हमारे पास वो हल नहीं है। हमें यहाँ पर हल क्या है कि हमें किसी तरह रोकना है प्रोडक्शन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, हम किसी तरह सल्फर डाइऑक्साइड को एनवायरमेंट में ना डालें, और उसको ना डालने का स्टेप्स हम लोग क्या लेते हैं कि जो हमारी जो फ्यूल्स हैं उनको हम डिसल्फराइज करें, उसमें से सल्फर कॉन्टेंट जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा रिमूव करके यूज करें, या फिर हम लोग फ्यूल ही ऑल टुगेदर ना यूज करें, कोई रिन्यूएबल सोर्स यूज करें, जैसे कि सोलर पावर यूज करें या हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, जितनी भी हमारे पास चीज है। हमने बात कर ली, अच्छा फिर अब इनके मिट्टी हम लोग एसिड सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं। अगर ये तो एक तो एसिड डेल से खुद ही बन रहा है ना, लेकिन अगर मुझे बनाना है सल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड हम लोग बहुत सारी सल्फ्यूरिक एसिड से हम लोग अमोनिया के साथ रिएक्ट करके अमोनियम सल्फेट फर्टिलाइजर भी बनाते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड और भी बहुत सारी चीजों में यूज होता है, जैसे डिटर्जेंट्स में यूज होता है, पेंट्स में यूज होता है, डाइज में यूज होता है, कपड़े बनाने के लिए यूज होता है, सल्फ्यूरिक एसिड कार बैटरीज में यूज होता है, लेदर टैनिंग के लिए यूज होता है, क्लीनिंग सर्फेसिस के लिए, पिकलिंग के लिए, पिकलिंग क्या होती है मेटल्स पे जब हम रस्ट उतारते हैं मेटल्स पे वहां पे यूज होता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड हम लोग खुद भी बनाते हैं, और बनाने का रीजन है हमारे पास, और जिस रिएक्शन में उसको बनाते हैं उसको कॉन्टेक्ट प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए, अब सल्फर है, सल्फर एलिमेंट है, उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके पहले तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाएंगे, और ये जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है उसको फर्दर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बनाएंगे। अभी एक रिवर्सिबल रिएक्शन है जो कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सोथर्मिक है, इस रिएक्शन को हम कहते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस। जैसे अमोनिया वाले प्रोसेस को हम हेबर प्रोसेस कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस। सही है, इसमें हम जो कैटलिस्ट यूज करते हैं दैट इज वैनेडियम फाइव ऑक्साइड। फॉर्मूला इज V2O5। ठीक है, बैलेंस भी कर दो उसको। तो हम लोग प्रोसेस में सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाएंगे, सल्फर ट्राइऑक्साइड से हम लोग उसको पानी में डिजोल्व करेंगे तो हमारे पास एसिड सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा। लेकिन वी नो कि हम डायरेक्टली जो है, देखो अगर सल्फर डाइऑक्साइड पानी में डायरेक्ट डिजोल्व होती है ना तो वो मुश्किल से डिजोल्व होती है, और जो थोड़ा बहुत एसिड बनता है दैट इज सल्फ्यूरस एसिड H2SO3, इसको हम कहते हैं सल्फ्यूरस एसिड। इसमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर देखो तो ये हमारे पास बनती है प्लस फोर, तो इसका एक और नाम होता है, दिस इज आल्सो नोन एज सल्फ्यूरिक फाइव सल्फ्यूरिक फोर एसिड। लेकिन अगर मुझे ये रिएक्शन करवाना है तो दैट इज नॉट अ वेरी गुड रिएक्शन। अगर मैं एक्सेस वाटर भी डालता हूँ तो सल्फ्यूरस एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड बन भी जाता है, लेकिन
हमें सल्फ्यूरस एसिड का इतना कोई काम नहीं होता, हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड बनाते। अगर सल्फर ट्राइऑक्साइड जो बनी है उसको अगर मैं वाटर में डिजोल्व करवाऊँ तो ये बनता है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। लेकिन ये जो सल्फ्यूरिक एसिड बन रहा है हमारे पास डायरेक्टली सल्फर ट्राइऑक्साइड को पानी में डिजोल्व करवा देते हैं तो ये सल्फ्यूरिक एसिड जो बन रहा है ना ये बनता है इन द फॉर्म ऑफ मिस्ट। मिस्ट क्या होती है, धुएं की तरह बनता है जो कि कंटेनर में, जिस कंटेनर में हमने बनाया है तो उसकी सारी वॉल्स के साथ ऐसा बन के चिपक जाता है जिसको निकालना बड़ा मुश्किल होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, सल्फर ट्राइऑक्साइड को डायरेक्टली पानी के साथ रिएक्ट नहीं करवाते, हम सल्फर ट्राइऑक्साइड को पहले ऑलरेडी अवेलेबल कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं। तो इससे हमारे पास बनता है मिस्ट, मिस्ट धुएं की तरह बनता है, जैसे वो धुआं नहीं होता, वेप का धुआं नहीं होता, जिस तरह का, इस तरह की मिस्ट बन जाती है। तो हम सल्फर ट्राइऑक्साइड को बेसिकली पहले कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में डिजोल्व कराते हैं टू फॉर्म ओलियम विच इज H2S2O7। फिर उसके बाद इस ओलियम को हम पानी में डिजोल्व कराते हैं तो इट विल लीड अस टू सल्फ्यूरिक एसिड। फिर ये एक्वस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड बन रहा है जो कि कलेक्ट करना आसान है। ये ओ लेवल वाले रिएक्शन है हमारे पास। सही है, अच्छा। अब नेक्स्ट क्लास में ना हम लोग क्या करेंगे, ग्रुप टू और ये जो हमने अभी नाइट्रोजन एंड सल्फर पढ़ा है इसके क्वेश्चंस करेंगे। बिफोर दैट आप इन दोनों हैंडआउट में से उनकी जो इक्वेशंस हैं वो याद कर लो ताकि पास पेपर्स करना आसान हो। फिर इसके बाद इनऑर्गेनिक में हमारे पास पीरियोडिसिटी है, एक क्लास में वो जाता है, आधा पीरियोडिसिटी हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर के साथ भी कवर किया हुआ होता है लेकिन हम उसको दोबारा से रिवाइज कर लेंगे। और फिर ग्रुप 17 है उसमें भी इसी तरह से इक्वेशंस हैं। तो लेकिन इम्पॉर्टेंट इसलिए है ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्योंकि पेपर टू में इसके कभी कभार दो क्वेश्चन भी बना देते हैं। पिछले 5-6 साल से तो वो दो क्वेश्चन बना रहा था लेकिन पिछले साल 2 सालों से उसने एक एक क्वेश्चन करना शुरू किया उसका। उससे पहले जो है वो इनऑर्गेनिक का एक ही क्वेश्चन देता था, कभी कभार नहीं भी देता था। फिलहाल जो इस एग्जामिनर का ट्रेंड चल रहा है वो पेपर टू में इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन देता है ज्यादा। और गड़बड़ कहाँ होती है, हमें इक्वेशन याद ही नहीं होती। हम पास पेपर देखेंगे ना तो इट इज दैट नॉट ईजी कि आपको इक्वेशन, अब ग्रुप टू में फ्लेम कलर्स भी आपको याद करने थे। तो लग रहा है सुनने में बड़ा आसान लग रहा है ये चैप्टर कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, कहीं दिमाग नहीं लगाना पड़ा। लेकिन जब अभी याद करने बैठोगे ना तो ये आपको याद नहीं रहेंगी बहुत सारी चीज़ें इसमें से। तो अगेन उसको याद करने का तरीका क्या है कि आपको बार बार रिवाइज करना है इसको, पास पेपर्स बार बार करना है इसके, तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो मेक श्योर बिफोर नेक्स्ट क्लास दैट इज ऑन ट्यूजडे आप इसकी इक्वेशंस याद करो ताकि जब हम पास पेपर्स करें तो आपको कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो याद हो। सारा तो याद नहीं हुआ होगा यू नो, लेकिन जब पास पेपर्स करोगे तो आपको चीजें रियलाइज होंगी कि भाई ये इक्वेशन जो है वो बार बार पूछ रहा है पास पेपर्स में, तो ये तो हमें याद होनी चाहिए। ठीक है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो वरना आप जा सकते हो। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।